इंसानी विकास का पृथ्वी पर एक लंबा इतिहास रहा है। हमारे पूर्वजों का कठिन परिश्रम हमें आज यहाँ तक ले आया है। जब वो आदि मानव के रूप में थे, तब से उन्होंने आधुनिक मानव जीवन की नींव रखी थी। वर्तमान में मानव एवं उसके सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए वर्तमान से रूप में आई हैं, लेकिन इसके विकास पर अनेक भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण आज भी पूरे विश्व में विभिन्न मानव प्रजातियां एवं मानव समाज पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव का विकास नर्सरी युग के प्लास्टोसीन युग में आरंभ हुआ था। अब तक खोजे गए जीवाश्म के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव का पहला पूर्वज आज से 7 करोड़ साल पहले अफ्रीका महाद्वीप में निवास करता रहा होगा। अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे ही मानव समकपियों जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला आदि की उत्पत्ति हुई। इन कपियों को प्राइमेट कहा जाता था। ये मानव के समान बिना पूंछ वाले कपी थे। आज के होमो सेपियंस का उद्भव व विकास नियंदरथल मानव से हुआ है। नियंदरथल नामक मानव ही हम मानव में ही बदल सके, क्योंकि इनका काफी हद तक मानव के समान ही स्ट्रक्चर था। इनकी भी पूंछ नहीं थी, इसी कारण बाकी सभी कपी आज भी कपी ही रह गए और बाकी नियंदरथल मानव के रूप में बदल गए। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि नियंदरथल की आयु 20 से 30 वर्ष की रही होगी। भारत की शिवालिक पर्वत श्रेणी में रामापेतिकस का सर्वप्रथम जीवाश्म मिला है, जिसे प्राचीन मानव का जीवाश्म साक्ष्य माना गया है। दोस्तों, अब सवाल ये भी आता है कि आखिर आज भी वो मानव मानव क्यों बना हुआ है, वो कुछ और क्यों नहीं बन जाता। दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि आप सभी को याद ही होगा कि आपके पूर्वज के चेहरे और शरीर पर काफी बाल हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी पीढ़ियां बदलती गई, वैसे वैसे बालों की मात्रा भी कम होती जा रही है। अगर ये बदलाव नहीं तो क्या है? दोस्तों, बंदर से मानव बनने में 6 करोड़ साल का समय लग गया था। शायद आज भी हम बदल रहे हों, आने वाले करोड़ों साल में हम कुछ और भी बन जाएं। एक सवाल ये भी है कि पहले कौन से जीव से जीवन की शुरुआत हुई? जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। सबसे पहले एक कोशिका जीव जैसे अमीबा जीवाणु बने, उसके बाद बहुकोशिका जीव बने। जीवन का विकास पहले पानी यानी समुद्र में शुरू हुआ, उसके बाद जमीन पर आया। मनुष्य का विकास तो जीवन की उत्पत्ति के लाखों करोड़ों साल बाद हुआ था। अब हम कह सकते हैं कि जानवर मनुष्य से करोड़ों वर्ष पहले आए थे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।